नमस्कार दोस्तों आधी रात्रि हो चुकी है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीमेंटर्स पर माफी चाहते हैं आज थोड़ा सा लेट है लेकिन आ, कुछ कामों में व्यस्त होने के कारण सोचा कि थोड़ा सा लेट डिस्कस कर देते हैं क्योंकि कल अगेन मॉर्निंग में फिर टाइम नहीं है और इवनिंग तक आपको फिर दूसरा क्वेश्चन सेशन देना है तो उसी के रिस्पेक्ट में आपका आज का ये सेशन जो है जल्दी से कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर सकें लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है आप प्लीज थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करके रखना क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो ये तुम्हारे हर बार एग्जाम में काम में आते हैं अभी रिसेंटली आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन सेशन हुए थे दस बारह क्वेश्चन मैंने देखे कि एज इट इज आए हुए हैं तो बड़ी हेल्प आपकी हो जाती है तो ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब कोई देखना ही देखना है आपके ऊपर है आपका मन है आप लोग जाग सकते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन को देखिए आपके काम आएंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे अच्छा पहले इसमें टोटल आपके 150 फिफ्टी क्वेश्चन है ना इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें 150 और 150 फिफ्टी क्वेश्चन में से पहले 50 क्वेश्चन जो है वो हमारे जी के इंग्लिश और मैथ के हैं बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके एग्रीकल्चर के हैं तो हम पहले आपका एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाते हैं जो पहले क्वेश्चन हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन या तो हमारे किसी स्टेट एग्जाम में आते हैं वैसे आपके अगर हम बात करें तो पहले आपका इंग्लिश का पार्ट है इसके अंदर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपके दिए गए हैं जैसे यहाँ पर आपका पूछा गया है कि जैसे थिएटर लवर इन इंग्लैंड नेवर नेव ए ग्लोब एंड इन नाइनटीन डैस डिसीजन वॉज मेड टू rebuild इट एज क्लोज टू डैश ओरिजिनल डिजाइन एज पॉसिबल तो ये आपका यहाँ पर फिल करना था तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि नेवर forget a ए ग्लोब एंड इन the decision द made वॉज मेड टू as इट एज क्लोज टू द ओरिजिनल ठीक है तो यहाँ पर आपका ए आंसर आ जाएगा उसी प्रकार से ऑन सैटरडे आई एम गोइंग टू एन इंटरनेट कैफे डैस नहीं, ये आपका यहाँ पर क्योंकि बता रहा है पास्ट के बारे में बता रहा है कि मैं गया था तो डेफिनेटली यहाँ पर हेड हैड चेकिंग ये नहीं आएगा गो चेक ये आएगा वेंट टू चेक ठीक है तो ये आपके नॉर्मली आप लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल आउट कर सकते थे अगर आपने पढ़ा हुआ था तो इनके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी जैसे आपका यहाँ पर लिखा है डिसाइडेड तो डिसाइडेड को यहाँ पर बताना है कि ये किस टेंस को आइडेंटिफाई करता है तो पास्ट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को या आपका सिंपल पास्ट को या फ्यूचर प्रोग्रेसिव को तो सिंपल सी बात है आप पास्ट में फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव को यहां पर क्या करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा तो डी आपका आंसर जाएगा ठीक है इसी प्रकार से यहां पर बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं इनको आप आउट कर सकते हो जैसे कि एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट द डैश इन सेंटेंस तो एडवर्ब किसको कॉम्प्लीमेंट करता है वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करता है ना किसकी विशेषता बताता है नेक्स्ट आपका है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रेफिक्स शोइंग द सोनिक तो सोनिक आपका किसके साथ लगेगा प्री सोनिक एंटीसोनिक अल्ट्रासोनिक पेट्रीसोनिक तो अल्ट्रासोनिक हम पढ़ते ही होते हैं ठीक है ये आपका अल्ट्रासोनिक रेज के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोनिक बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि एंटोनिम क्या होगा जो कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल वर्ड क्या है पनिस्ट है पनिस्ड का यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंटोनिम क्या हो सकता है पनिश का मतलब होता है कि, कि, कि किसी को पनिश किया गया और यहाँ पर बोला जा रहा है कि द बॉय इज पनिस्ट एंड शो कैन नॉट गो आउट टू प्ले विद हिज फ्रेंड मतलब वो बाहर नहीं जा सकता तो पनिश का मतलब यहां पर या तो उसको मारा गया या रोका गया लेकिन यहां पर इसको जो है आपका रोका नहीं जाएगा इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एनकरेज करना डिफेंड करना नहीं होता डिफेंड जो है वो आपका अलग सेंस में चला जाएगा यहां पर आप लोग सोचोगे कि पनिश का मतलब जो है है ना तो उस रिस्पेक्ट में आपका जो है यहां पर एनकरेज जाएगा तो आप लोग आंसर देख चुके होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग इनको कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आपका यहां पर जैसे एंटोनिम है किसका एंटोनिम है प्लेथोरा का प्लेथोरा का मतलब क्या होता है प्लेथोरा का मतलब होता है कि

लाडू में इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है uh, 69 फिल्म फेस्टिवल के अंदर आपका दो हजार तेईस में किस फिल्म ने आपका जीता तो मुझे पता नहीं देखना जरूर ठीक है आपके आने वाले एग्जाम फ्लाइंग फ्लाइंग किसको बोला जाता है तो आप मिल्खा सिंह को जानते हैं अच्छे से तो उनको बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट आपका ओरगमी अच्छा ये ओरगमी जो है किसकी है तो आपने देखा होगा वो कागज के ना जैसे चलचित्र से बनाते होते हैं तो वो यहाँ पर आपका कागज

ठीक है काला पानी जेल का असली नाम क्या था तो सेलुलर जेल था अब यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं तो मैथ के क्वेश्चन भी बहुत आसान थे कोई डिफिकल्ट नहीं थे अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ठीक है तो इसमें क्या बोला गया है आपका जो जैसे ये 2.5 और 6.5 के अनुपात को कैसे आप सरल रूप में लिखोगे तो ये आपका क्या हो गया आ... तो ये चला जाएगा ठीक है क्योंकि पॉइंट चला जाएगा तो इज टू डी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपके नॉर्मली एग्जाम में आते ही है तो यहां पर क्या लिखा है कि राजेश एंड भूपेश कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन आपका ट्वेंटी डेज कि राजेश और भूपेश दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया आपका 20 दिनों में काम किया भूपेश अकेला कितने दिनों में काम करता है 25 में काम करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम जो है वो क्या चला जाएगा आपका यहाँ पर एक इसका जो है वो चला जाएगा क्या बोलते हैं इसको एलसीएम hmm. uh, जैसे बीस और पच्चीस का एलसीएम कितना होता है पांच पांच बीस सौ तो ये सो इसका एलसीएम है और इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये आपका अप्रोक्सीमेटली ओन एन एवरेज कितना काम हो रहा है एक दिन के अंदर आपका तो यहाँ पर पांच काम हो रहे हैं और यहाँ पर कितने काम हो रहे हैं चार काम हो रहे हैं ठीक है तो एक दिन में दोनों मिलकर पांच काम करते हैं भूपेश अकेला चार काम करता है तो इसका मतलब ये जो आपका है कौन राजेश अकेला काम करेगा एक काम एक दिन के अंदर तो ये टोटल काम है कितने हमारे सो और कितने दिन में कंप्लीट करेगा सो दिन में कंप्लीट करेगा तो आंसर डी चला जाएगा बहुत सिंपल है ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस प्रकार के आपके जैसे फॉर एग्जांपल एफ की बात करूंगा एन की बात करूंगा या आपका सी सी की बात करूंगा तो इन एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या अगर आप किसी स्टेट एग्जाम में जाते हैं जैसे एडीओ एग्जाम के लिए आप लोग जा रहे हो है ना तो इनमें भी जो आपके एग्जाम का लेवल आता है दिस इज द ओनली इक्वलेंट

अच्छा सेशन समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ एटलीस्ट मुझे हाँ और ना में बता दो भाई है ना सब लोग एटलीस्ट देखकर इंटरेस्ट तो क्रिएट हो रहा है ऐसा तो नहीं कि सर नींद आ रही है चलो सो जाते हैं क्या बात कर रहे हो ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आपका है दो संख्याएं पी एंड क्यू है, Q है और, और वो क्या आपकी सेवन और नाइन के अनुपात में है यानी कि देखो सेवन और नाइन ठीक है तो यहां पर आपका क्या है इनका सम क्या है आपका एट्टी है तो सिंपल सी बात है क्या होगा सम की अगर हम बात करें तो इनको इस प्रकार से लिख सकते हो सेवन एक्स नाइन एक्स इजिकल टू एट्टी हो गया आपका तो इसको अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा यहां पर ये टोटल अगर हम बात करते तो कितना चला जाएगा सिक्सटीन एक्स और एट्टी तो आपका एक्स इजल टू फाइव तो यहां पर पूछा गया है, पी कितना होगा तो पी इज इकल ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर अगला क्वेश्चन है सोने की अंगूठी साठ प्रतिशत हानि पर आपका जो है यानी कि गोल्ड रिंग सोल्ड फॉर द एट लॉस ऑफ तो ये आपकी जो है अंगूठी साठ प्रतिशत लॉस पर बेची जा रही है यानी कि टोटल इसकी एक प्रकार से फोर्टी परसेंट इज इकल टू कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर और कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा टोटल तो अब वही बात है कि यहां पर 2400 सॉरी uh, 24000 400 डिवाइडेड बाय 40 into 100 ये आपका चला जाएगा तो ये जो है एग्जैक्टली exactly, अगर आप निकालोगे तो इसको एप्रोक्सीमेटली आएगा 61000 तो डी इसका राइट right आंसर चला जाएगा गॉट इट चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है पंद्रह संतरों की बिक्री मूल्य पंद्रह, सॉरी आपका द सेलिंग प्राइस ऑफ फिफ्टीन ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ रहा है बराबर है मान के चलिए कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करेंगे टोटल क्या था तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल पंद्रह संतरे जो है वो बेचे गए तो उसका एक्चुअल में फॉर एग्जाम्पल अगर एक संतरा एक का बेचा गया तो, तो, तो कितने रुपए मिले यहां पर पंद्रह मिले तो यहां पर, तो पर नुकसान एक प्रकार से कितना हो गया तीन रुपए का हो गया ना भाई अगर आप यहां पर एक मानकर चलो तो आपका तीन रुपए का नुकसान हो गया और तीन बटा किसके पंद्रह तो गुनासो ठीक है तो पांच बीस तो आंसर यहां पर क्या चला जाएगा 20% आपका लॉस हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो कई बार इन चीजों के अंदर छोटी-छोटी चो मिस्टेक हो जाती है ठीक है लेकिन बहुत आपको मतलब अगर कहते हैं ना प्रैक्टिस है तो लगातार होते चले जाएंगे वरना कई बार अटक जाते हैं तो छोड़ दिया करो उन क्वेश्चंस को कोई दिक्कत नहीं है ठीक नेक्स है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहां पर एक पवन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे पवन जो है किसी काम को छह दिन में कर सकता है मंटू जो है वो उसी काम को कितने दिन में कर सकता है दो दिन में कर सकता है हाउ मेनी डेज दोनों कितने दिन में काम करेंगे तो पी प्लस तो का जो एलसीयम है वो ले लो LCM क्या आ जाएगा? आ जाएगा जाएगा ठीक है तो पी एक दिन में कितने काम करता है एक काम करता है और मंटू कितने काम करता है तीन काम करता है मिलकर कितने काम करेंगे चार काम करेंगे टोटल काम कितने हैं छे काम है तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली छे बटा चार और यहां पर आंसर आएगा ये सी आंसर चला जाएगा गॉट इट तो ये आपके लिए है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है अनीस और अजय दोनों क्या है बिजनेस पार्टनर है तीन साल पहले उन पहले जो है उनकी एवरेज एज कितनी थी अठारह साल थी मतलब अनीस की भी उम्र एक प्रकार से अठारह हो गई और अजय की उम्र भी कितनी होगी अठारह साल हो गई कितने साल पहले थी तीन साल पहले हो गई ठीक है उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि विकास ने अभी ज्वाइन किया और उनकी एवरेजेज अभी कितनी हो चुकी है आपकी बाईस हो चुकी है तो एक्चुअली में तीन साल पहले के अकॉर्डिंग अभी कितनी होनी चाहिए थी इक्कीस इक्कीस साल होनी चाहिए थी लेकिन अब इनकी हो कितनी गई है बाईस बाईस साल मतलब ये आपके जो है तीसरा भी यहां पर उसकी कितनी है बाईस साल है तो ये दो यानी कि एक यहां आपका एक्स्ट्रा निकल कर आया एक यहां निकल कर आया इन दोनों को इसके साथ जोड़ दो ट्वेंटी फोर इयर तो आपका आंसर भी चला जाएगा ठीक है इजी है बहुत आसान है लेकिन मैं आपको बात बोलता हूं कि आईबीपीएस ने लिया है लेकिन

कर लेना बार बार बोल रहा हूं तो वो ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है दो द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू डॉटर इज एट ईयर अब मान के चलिए एक आपकी एक्स है और एक आपकी वाई है ठीक है सॉरी ये आपका लिख लो यहां पर अगर हम बात करें तो आपका है कि दो डॉटर हैं, दो बेटियां हैं इनकी उम्र का डिफरेंस जो है आपका आठ साल का है तो एक एक्स हो गया एक एक्स प्लस आठ हो गया बारह साल पहले द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन जो आपका यंगर वन है उसका दुगनी उम्र था किसका यहां पर जो है बड़ी की तो यानी कि x प्लस एट जो है अगर हम उसकी माइनस बारह साल पहले कर देंगे तो वो आपका दुगनी उम्र का है किस दुगनी उम्र की लड़की है किसकी जो आपकी x माइनस ट्वेल्व की अगर हम बात करेंगे तो इसके कंपेरिजन में तो यहां पर क्या चला जाएगा एक्स प्लस एट माइनस ट्वेल्व टू एक्स माइनस आपका ट्वेंटी फोर तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा अगर हम इसको सोल आउट करेंगे तो आंसर आएगा एक्स इजिकल टू ट्वेंटी uh, तो x क्या हो गया आपका ट्वेंटी हो गया तो एल्डर उम्र की जो आपकी लड़की है तो बीस प्लस आठ अट्ठाइस हो जाएगा तो आंसर ए चला जाएगा नेक्स्ट आपका तीन महिलाओं की औस्त उम्र कितनी है तीस साल है उनकी आयु का अनुपात कितना होगा चार छ आठ की बात हो रही है तो चार छ दस और दस आर आठ अठारह ठीक है अठारह एक्स इजिकल टू कितना हो गया क्योंकि एवरेज एज थर्टी है तो तीनों की उम्र कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी ठीक है तो सबसे छोटी की उम्र कितनी होगी तो एक्स कितना आ गया आपका फाइव आ गया छोटी यानी कि फोर फाइव इंटू फोर ट्वेंटी तो सी आंसर आपका चला जाएगा अगर आप इस प्रकार से करते हो तो इजिली होते चले जाएंगे और समझते हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट है सिक्स के लिए टू अच्छा इफ सिक्स इज टू टू वन सिक्स एंड टू इज टू तो ये आपका छ का क्यूब है दो सौ सोलह और दो का क्यूब क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा तो सी बात है नौ और इकतीस के बीच की सभी संख्याओं का ज्ञात कीजिए जो पांच से विभाज्य है मतलब सिंपल सी बात है कि आपका और बीच में जो और तीस ये सारे नाइन और थर्टी वन के बीच में है तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए आपके तीस बीस पचास सत्तर नब्बे सो तो टोटल जोड़ आपका सो हो गया एवरेज जो है क्योंकि नंबर पांच है तो बीस आपका आ जाएगा आंसर सी एवरेज बोला था निकाल दिया कहानी खत्म ठीक है नेक्स्ट आपका यहां पर है नीचे दी गई श्रृंखला में से संख्याओं का एक अनुक्रम दिया गया है तद तो अनुसार गलत संख्या की पहचान कीजिए यार ये नंबर सीरीज वाले बड़े मतलब मुझे वो लगते हैं मैं इनको बहुत 99% छोड़कर चलता हूं आप एक बार चेक कर लेना क्या होगा 9 14 24 38 39, 59 नाइन इनमें से इन करेक्ट को निकालना है तो आपका आंसर के अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या जाएगा ठीक है इसी प्रकार से कंप्लीट द सीरीज ऑफ चूजिंग द मिस नंबर आठ पांच तेरह तेरह सात पीस ये देख लेना यार नंबर सीरीज वाले मतलब इनको निकालने का भी कई बार टाइम लग जाता है ठीक है कई बार इजीली भी हो जाते हैं नेक्स्ट आपका है फाइंड वन आउट फॉन ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्क्वायर रेक्टेंगल पेरेलोग्राम एंड ट्राइंगल तो पेरेलोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर सभी में क्या है चार साइड है ट्राइंगल में क्या है तीन साइड है तो आंसर क्या चला जाएगा डी चला जाएगा ठीक है विषम का चैन कीजिए ओड वन आउट ए ई आई आ, ये एक नंबर पे आए पांच नंबर पे आया तो देख लेना आई थिंक सो इसके अंदर नंबर के अकॉर्डिंग होगा कि अगर आई थिंक सो बाकी तो है ओड पे होंगे एक आपका आई थिंक सो उसपे हो सकता है है ना आ, आपके ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग इनको निकाल सकते हो आप लोग नेक्स्ट आपका है 25 दिसंबर को इफ दिसंबर 25 यानी कि क्रिसमस डे है फॉल ऑन ट्यूजडे तो क्रिसमस डे को ट्यूसडे है पच्चीस को डे तो वीक दिन, दिन पूरा हफ्ता हो गया तो संडे हो जाएगा आंसर ए चला जाएगा कहानी खत्म यदि बीते हुए परसों का दिन बुधवार था यानी कि परसों यानी कि बीत गए ठीक है यानी कि डे बिफोर अगर हम बात करें यस्टरडे तो क्या था आपका बुधवार था तो आज क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार ठीक है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा तो शुक्रवार के बाद शनिवार शनिवार के बाद अगेन रविवार तो आंसर फिर रविवार हो गया ठीक है फिर आपका अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर ये भी आपके इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर बोला गया है कि किस प्रकार से अच्छा अरेंज द वर्ड्स इन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी तो यहां पर क्या है जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है ए बी सी डी एफ जी एच आई इसके अकॉर्डिंग होता है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग देख लो एल एम एन ओ पी एल एम एन ओ पी क्या हुआ आर एस टी ू तो सिंपल सी बात है ये सी आंसर चला जाएगा नहीं कतम ठीक है उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है देर आर सेवन हाई जम्पर्स हैं और दालेस्ट एंड शॉर्टेस्ट कम सेवन जो है हाई जम्पर्स हैं उनमें से किसी की हाइट छोटी होगी किसी की बड़ी होगी सिंपल सी बात है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका बताया जा रहा है कि टालेस्ट और शॉर्टेस्ट जो है वो सेकंड और फोर्थ रैंक पे आते हैं ठीक है जैसे मान के चलिए एक सबसे लंबा है और एक आपका सबसे

थर्ड टालेस्ट जो है वो इन बिटवीन है फिफ्थ और आपके सिक्स टालास्ट के बीच में मतलब आपका जो पांचवा सबसे लंबा है और छठा सबसे लंबा है उनके बीच में थर्डा थर्ड जो है वो सबसे लंबा बीच में आएगा और नेक्स्ट आपका है कि कम आफ्टर द फोर्थ टालेस्ट जो फोर्थ टालेस्ट है उसके बाद में आपका क्या आएगा सिक्स टालास्ट जो है उसके बाद में आएगा यानी कि यहां पर अगर हम बात करें सिक्स टाइलेस्ट आफ्टर द फोर्थ टालेस्ट तो इसके बाद में आएगा एंड सेकेंड टालेस्ट कम फर्स्ट तो सेकेंड टाइलेस्ट जो है वो आपका क्या आएगा, आएगा. तो तो अकॉर्डिंग हम, तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि ये हमारा क्या आ जाएगा सिक्स टालास्ट आ जाएगा और सिक्स टालास्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका सिक्स और फिफ्थ के बीच में थर्ड है तो यहाँ पर थर्ड आ गया ये फिफ्थ टालास्ट आ गया तो सबसे लास्ट में कौन हो गया फिफ्थ हो गया तो ये आपका यहां पर आंसर डी चला जाएगा ठीक है तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका है ये सिंप्लीफाई करना है जैसे आजकल आपको टेलीग्राम पर मैंने दो तीन बार आपको क्वेश्चन सेंड किए थे तो उम्मीद करता हूं कि उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आपको पता लग रहा होगा ठीक है तो डेफिनेटली आप उनको भी उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हो ठीक है सीडब्ल्यूसी का पेपर तो ऑलरेडी डिस्कस किया था ना या नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग में कर चुका हूं विकास पटेल जी अरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर इतना टेंशन मत लिया करो चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है ये सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है इसके अंदर अगर आप करोगे तो पता लग जाएगा ये यहाँ पर आपका बोर्ड मास रूल को फॉलो कर लेना ये आपका 127 हो जाएगा मल्टीप्लाई दो एक और तीन बटा दो माइनस तो ये आपका यहां पर अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो इस प्रकार से आएगा थ्री बाई टू और इसको मल्टीप्लाई तो तीन नौ तो वन बाय एटीन माइनस आएगा यहाँ पर फोर बाय थ्री और प्लस आएगा यहाँ पर तीन दो एक सात सात बटा तीन गुना यहाँ पर वन बाय थ्री यानी कि सेवन बटा सेवन बाई एटीन तो अगर आप इसको सोल आउट करते हो तो क्या निकल कर आएगा एटीन आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तो so 18 के अकॉर्डिंग 7 प्लस थ्री सिक्स ट्वेंटी फोर माइनस एटीन है तो 1 और 24 से 30 इकतीस एक तीस बटा अट्ठारह एक बार देख लेना इसको कैलकुलेशन में अगर आप लोग करोगे तो निकल जाएगा कही कहीं ना कहीं ठीक है तो ये है ना इस प्रकार से आप सोल आउट कर सकते हो बोड मास रोल में और नेक्स्ट तो उसी प्रकार से आपका ये भी सोल आउट करोगे तो दो तीन छः तीन नौ नौ और सात सोलह ये सी आ गया इसी प्रकार से यहाँ पर आपका राइट और जैसे इसके अंदर मीनिंग निकालना है तो मेल्ट लिक्विड हो गया फ्रीज आपका क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा ठीक है फिर आपका यहाँ पर क्या है ये आपका कन्फ्यूज करने वाले ये जो क्वेश्चन होते हैं ठीक है इसके अंदर क्या लिखा छोटू इज मोटूज ब्रदर अब देखो यहां पर ये कंफ्यूज इस प्रकार से इनके नाम से कर देते हैं कि छोटू और मोटू जब भी जो आपका रिलेशनशिप में अगर इस प्रकार से आप लोग करते हो क्वेश्चंस को तो हमेशा इनका एक फ्लो चार्ट बना लो इसका चार्ट बनाकर आप लोग हमेशा इजीली आंसर कर सकते हो और हमेशा याद रखो जो आपके सेम सीरीज में है जैसे ब्रदर है या सिस्टर है तो उनको सेम लाइन में रखो ठीक है अब चाहे चाचे के बेटा है लेकिन अगर पापा है चाचा है उनको सेम लाइन में रखो दादा है दादी है उनको सेम लाइन में रखो ठीक है ये चीज होनी चाहिए नेक्स्ट आपका क्या है छोटा इज मोटूज फादर मोटू का फादर कौन है आपका छोटा तो ये हो गया इसके बाद में है आपका गो टू इज छोटाज फादर अब छोटा का फादर कौन है आपका गो टू है ठीक है तो इसका फादर कौन हो गया आपका गो टू फिर है फाटू इज गोटूज फादर अब बताओ ये आपका फाटू आ गया ठीक है फिर क्या है हाउ गो टू इज रिलेटेड टू छोटू गो टू छोटू से कैसे रिलेटेड है तो ये दोनों भाई थे तो यहां पर आपका ये जो है गो टू क्या हो गया अब इसके पापा का पापा है तो क्या होगा ग्रैंड ही तो होगा ना तो गो टू क्या होगा आपका ग्रैंड होगा तो फादर भी नहीं होगा सन भी नहीं होगा ग्रेट ग्रैंड भी नहीं हो सकता तो ग्रैंड यहां पर आपका सही आंसर आ गया इजी है समझ में आया तो अच्छा YouTube पे मैंने डाला होगा सॉरी क्लास में मैंने डिस्कशन करवा दिया होगा हाँ डेफिनेटली सी डब्ल्यू सी का पेपर आ, आपके साथ डिस्कस करवा देंगे इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपके साथ हर चीज़ के लिए खड़े हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि भाई कभी भी आपके साथ डिस्कस करने हैं तो बताओ डेफिनेटली करेंगे नेक्स्ट आपका है गर्ल्स एड द पर्सन स्टैंडिंग देर इज माई ग्रैंड फादर ओनली सन अब देखो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना तो देखो मैं क्या बोला यहाँ पर एक लड़की बोल रही है कि जो सामने पर्सन खड़ा है वो मेरे दादा का वो मेरे दादा की बेटी का इकलौता सन है दादा की बेटी मतलब क्या हुआ बुआ और बुआ का बेटा क्या हुआ आपका एक प्रकार से भाई हो गया ठीक है तो यही पूछा जा रहा है पर्सन जो है है वो गर्ल से कैसे रिलेटेड तो पर्सन गर्ल का क्या हुआ भाई हो गया ठीक है फादर भी नहीं होगा अंकल भी नहीं होगा सिस्टर भी नहीं होगा ब्रदर होगा तो बी ठीक है तो इस प्रकार से कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट आपका यहां पर लुप्त संख्या याद करो तो ये याद कर लेना यार क्या है इसके अंदर देख लेना क्या है आपका तीन आठ पाँच छब्बीस सात अड़तालीस

और इन क्लॉक टाइम इज इफ द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड द साउथ वेर इज द आवर हैंड पॉइंट अरे ये तो सिंपल सी बात है ना कि 12 बजने में क्या होगा 12 बज गए यहाँ पर तो 12 बजने पे दोनों सुइयाँ एक ही तो डायरेक्शन में होती हैं तो बोला गया कि बड़ी सुई जो है वो आपकी क्या है मिनट वाली सुई जो है वो कहाँ पर है आपकी 12 की तरफ है यानी कि साउथ की तरफ है तो जो आवर वाली सुई है वो कहाँ पर होगी वो भी आपकी साउथ की तरफ ही होगी ठीक है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ईजी था नेक्स्ट आपका है एक राइडर है जो कि क्या किया आप लॉन्ग रोड पे जा रहा है ठीक है देन तो फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है उसने क्या किया लेफ्ट ले लिया फिर अनदर क्या किया उसने लेफ्ट ले लिया अब वो जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है वो आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहा था तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था वेस्ट की तरफ जा रहा था पश्चिम की तरफ जा रहा था कहानी खत्म चलिए भाई ये हमारे क्या थे अभी तक के आपके क्वेश्चंस लेकिन अब जो है डेफिनेटली आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आ चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर ही हम जिसके लिए आए हैं आज का सेशन हमारा कंडक्ट हुआ है अभी तक मैं आपको केवल उनके बारे में बता रहा था आपको एटलीस्ट प्रीवियस जो है अगर आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग देखते हो तो उनको सोल आउट कर पाओ उनको देख पाओ है ना क्योंकि देखो यार एक प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है मैं सिंपल सी बात एक ही बोलता हूँ मुझे ये चीजें नहीं आती है कि मैं आपको ये बोल दूँ कि इस प्रकार से हो जाएगा एकदम सीख हो जाएगा नहीं है कोई भी चीज ईजी नहीं होती है आपको ईजी बनाना पड़ता है उसको मेहनत करके ठीक है वही बात है अब इस प्रकार से एग्रीकल्चर जो है इसके ऊपर हम काम करते हैं एग्रीकल्चर को देखते हैं क्या होता है तो क्वेश्चन पहला है आपका कि जो है वो आपका एक प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड है वो यहां पर आपका जो है किस में से निकाला जाता है तो एजेडिरेक्टिन आपका किससे निकाला जाता है नीम से निकाला जाता है आप लोग जानते हो ठीक है क्योंकि एजेडिरेक्टिव इंडिका आपका इसका साइंटिफिक नेम होता है ठीक है और नेक्स्ट यहाँ पर आपका टोबैको भी एक इंपॉर्टेंट आपका जो है नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करता है ठीक है और आपका यहाँ पर जो है मेरीगोल्ड भी करता है ठीक है नेक्स्ट आपका अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस ये आई थिंक so, एक दिन पहले कुछ दिन पहले अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था ना एक दिन इसके बारे में तो ये आपका क्या है फरीदाबाद में लोकेटेड है नेक्स्ट आपका है धान के तना छेदक पौधे के यानी कि राइस स्टेम बोरर ले एग ऑन द विच पार्ट ऑफ ए प्लांट तो राइस स्टेम बोरर कहां देता है आपका लीफ है ना लीफ के मार्जिन के ऊपर आप लोगों ने ठीक है तो ये आपका यहां पर क्या रहेगा पत्ते ठीक है तो साफ मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर था मैंने जहां पर इसको ऑब्जर्व किया है बाकी आप लोग बेटर जानते हैं कि आप लोग किस प्रकार से क्योंकि देखो वहां पर माइंड सेट चेंज होने में देर नहीं लगती है नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड इनमें से एनिमल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड कौन सा है आपका इमिडाक्लोप्राइड नहीं है एसिबेट भी नहीं है एलडी भी नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ठीक है नेक्स्ट आपका है ट्राइकोग्रामा एसीपी सी पी सॉरी trycograma species act as a तो ये आपका क्या काम करता है एज ए एग पैरास्टोइड काम करेगा ठीक है ये भी बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है ट्रेड नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्राइड इमिडाक्लोप्राइड कॉन्फिडर के नाम से बिकता है कि नहीं बिकता है आप लोग इस चीज को तो जानते होंगे अच्छे से ठीक है नेक्स्ट आपका यहां पर है बैसिलस थ्रोजेनसिस आपका टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है व्हिच विद विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट लार्वा तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली स्टोम के ऊपर अटैक करता है तो यहां पर आपका पाचन तंत्र हो जाएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा पेस्ट आपका राष्ट्रीय कीट के नाम से जाना जाता है नेशनल पेस्ट के नाम से जाना जाता है तो व्हाइट गर्भ को जो है आपका राष्ट्रीय पेस्ट या फिर यूं कह सकते हैं कि नेशनल पेस्ट के नाम से जाना जाता है ठीक है जी 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 बिल्कुल अगला आपका क्वेश्चन है कीटो में किशोर हार्मोन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है, कि जो है वो आपका, किस ऑर्गन के द्वारा so, ये ना अभिषेक सर ने कोई सेशन लिया था उसके अंदर इसको डिस्कशन किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर है क्या येलो वेन मोजेक डिजीज ऑफ ओकरा इज ए वायरल डिजीज विच ऑफ द फॉलोविंग इन इंसेक्ट स्प्रेड द डिजीज तो आपका येलो वोनोक जो वायरस है आपका किसके अंदर अंदर ओकरा के के तो वो किस पर्टिकुलर आपके इंसेक्ट के द्वारा फैलाया जाता है विकास पटेल नंबर आपके पास ऑलरेडी है यार आपके डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो नंबर ही नंबर पड़ा हुआ है आप लोग देखो तो सही उसको नंबर आपका जो है दिया गया है इसके अंदर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गुड क्या आंसर जाएगा आपका व्हाइट फ्लाई चलिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है टमाटर में पछेती झुलसा और अगेती झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है बैक्टीरिया वायरस फंगस इंसेक्ट तो देखो भाई ब्लाइट आपका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसका फंगस का तो ये भी चला गया नेक्स्ट आपका है इलायची का कट्टे रोग किस कीट द्वारा फैलता है ठीक है कट्टे डिजीज जो आपका कार्डोमम के अंदर है वो किस पर्टिकुलर इंसेक्ट के द्वारा आपका फैलता है तो आप लोगों को यहां पर आंसर करना है कि जो कट्टे है वो मेनली किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है तो ये आपके बनाना एफिड के द्वारा बोला जाता है कि इसको ट्रांसमिट मतलब किया जाता है या फिर ट्रांसमिट होता है या फिर इसके लिए एज ए वैक्टर का काम ये करता है डिजीज डिजीज ऑफ राइस राइस इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट अब देखो के अंदर जितने भी ये डिजीज है अगर आप लोग देखोगे तो मैंने कम से कम कई बार कई दफा इन क्वेश्चन को डिस्कस आप लोगों के साथ किया हुआ है अब वो आपका काम है कि इनको आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो क्योंकि आपने अगर सेशन लिए हैं और आप उनको देखते हो तो डेफिनेटली आप इन आंसर को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन वही बात है कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग आंसर क्यों गलत करके आते हैं क्योंकि तो है है। लेकिन अगर आप लगातार ही तो तो है, है? तो आपके जो प्लांट है ये जो आपके डिजीज है इनके, है, इनके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं तो वैक्टर के अप्रोक्सिमेटली तीन से चार क्वेश्चन आ गए आपके सामने तो वैक्टर्स को पढ़ लेना ठीक है ये आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे तो

मोज़ेक वायरस के अंदर ये मैं कंफ्यूजन में हूं तो हो सकता है कि गलत ना हो जाए एक बार आप लोग बताओ कि ये आपका आंसर सही जाएगा ना इसका रितेश ने कर दिया है हाँ ग्रेट चलिए तो ये आपका यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड ही रहेगा नेक्स्ट आपका है बंगाल फेमाइन जो डिजीज है वो किसकी वजह से आया था तो अब याद करो बंगाल फेमाइन किसके वजह से आया था पहली बात है कि ये आपका राइस में आया था तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है आलू तो गलत हो गया दूसरा ऑप्शन दिया है गेहूं तो गलत हो गया नीचे फिर क्या लिखा है गेहूं तो ये भी गलत हो गया अब बचा क्या ब्राउन स्पॉट ऑफ ए राइस तो आप लोग जानते हैं कि किसकी वजह से हेलमिंथोस्पोरियम और आईज़े की वजह से, ठीक है और यह भी याद रखना कि कई बार पूछकर होता है, वहां पर पूछ लेते, आपका जो है कि, आ, पोटेशियम की, कमी होने की, से. वहां की सोयल में क्या हो गई थी, थी तो उसकी वजह से यह डिजीज मेनलीज हुआ था तो ये आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि हो सकता है कि यहां से आपका पूछ लिया जाए अगला आपका क्वेश्चन है पनामा विल्ट किस फसल का रोग है पनामा भाई अभी

और के सी मेहता साहब ने क्या किया था के सी मेहता साहब वो थे जिन्होंने आपका इंडिया के अंदर जो वीट रस्ट है रस्ट साइकिल को तो टोटली जो है आपका आइडेंटिफाई किया था उसके बारे में जो है आपको बताने का काम किया था गेहूं के किस रोग को गेहूं का कैंसर कहा जाता है तो गेहूं का कैंसर जो होता है वो आपका करनाल बंट को बोला जाता है ध्यान रखना गेहूं का कैंसर जो है वो आपका करनाल बंट है बल्कि गेहूं का जो आपका किलर डिजीज है वो क्या है आपका ब्लैक रस्ट है तो दोनों में अंतर है दोनों में डिफरेंस है दोनों में मिक्स मत हो जाना क्योंकि देखो हम छोटी छोटी चीजों को याद तो करते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर क्या हो जाती है मिस्टेक हो जाती है बहुत ही मतलब फिर आके सोचते हैं कि ये कैसा ब्लंडर हो गया ठीक है तो ये सिंपल सी बात है कि आपका यहां पर हम लोग इस मिस्टेक को कर सकते हैं लेकिन ये मिस्टेक हमारी जो होती है इसका रीजन हम लोग खुद हैं बार-बार प्रैक्टिस ना करने के कारण ठीक है अरे रितेश एटलीस्ट थोड़ा सा तो दिमाग को यूज कर लो जो आपका एटलीस्ट ये आपका चल रहा है ठीक है नीचे वीडियो दिख रहे वीडियो देख रहे हो आप लोग वीडियो के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे तो नाम पूरा आ जाएगा कि किस एग्जाम का हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और वीडियो का अगर टाइटल देखोगे तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा देख लिया करो कभी कभी पूछने की जरूरत नहीं होती है कुछ चीजों को ठीक है समझ में आई भाई चलिए सर हेड ऑफिस अरे भाई हेड ऑफिस भी हम ही तो हैं कोई और बाहर से आएगा क्या चलिए गेहूं का भाई मैं ही आपके साथ डील करूंगा डोंट वरी चिंता मत करिए अच्छा ये क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ अभी कुछ दिन पहले दो चार दिन पहले डिस्कस किया था क्या कि ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर हैज हाईएस्ट एरिया इन इंडिया इंडिया में हाईएस्ट एरिया किस सॉइल ऑर्डर का है इंसेप्टीसोल का है वर्ल्ड में किसका है एंटीसोल का है ब्लैक सॉइल किस में पाई जाती है मे लिवर्टी सोल में पाई जाती है ठीक है आपका नेक्स्ट है फ्लैम फोटोमीटर ये किस भाई ये बताओ ठीक है ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो यहां पर करवाए हुए में से आ रहे हैं तो बताओ फ्लैम फोटोमीटर किसका आपका इंपॉर्टेंट किया जाता है किसके डिटर में यूज करते हैं ठीक है सेवनटी वन का ए नहीं है सेवनटी वन का भाई सेवनटी वन का बी आएगा नवजोत सिंह गलत मत करो गुड अजीज पाल बहुत बढ़िया शाबाश पोटेशियम नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है हैवी ऑफ 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 द फॉलोइंग पुअर प्लोइंग परफॉर्मेंस देखो ये आपका जो क्वेश्चन है मैंने वहां पर एक आपको मैंने बताया था कि इनमें से कौन सा वीड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कौन सा वीड क्रिएट करता है तो वहां पर मैंने साइनेडन डेक्टलोन को बताया था अब ये क्वेश्चन का इस प्रकार से ना पूछकर इन्होंने जो है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया क्या पूछा कि इनमें से हैवी इन्फ्लेन जो है वो आपका किसकी वजह से होगा जिसकी वजह से पूरा

करते आ रहे हैं ठीक है लेकिन मैं फिर बोलता हूं आपके पढ़ने से फायदा मिलेगा मेरे पढ़ाने से केवल फायदा नहीं मिलेगा ठीक है है बहुत बड़ी चीज ये आप लोग अगर रेगुलर अपनी चीजों को याद करते हो रेगुलर इन क्वेश्चन को देखते हो ये क्वेश्चन अब देखो कई बार मिस्टेक भी होती है मैं ये नहीं कहता कि मिस्टेक नहीं होती है मिस्टेक होती है लेकिन जब भी आप उसको पूछते हो हम लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बच्चे ने दो तीन बार पूछ लिया है तो हम उसको चेक भी करते हैं और आपके सामने रखते भी हैं कि ये बात इसमें सही है और ये बात आपकी गलत है ठीक है क्योंकि हमारा काम है आपके साथ रखने का ठीक है नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर टेबल इज मेजर बाय तो ग्राउंड वाटर टेबल को किससे मेजर करते हो प्रेशर प्लेट टेंटर न्यूट्रन प्रो पिजोमीटर आंसर क्या चला जाएगा आपका पिजोमीटर ठीक है नेक्स्ट है गोभी के फूल सॉरी uh, यार क्या है ऑप्टिम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड हेड ऑफ कैबेज की आपका जो कैबेज है कैबेज क्या है रूसी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो ये आपका क्या है वैसे तो विंटर सीजन में होती है ठीक है और विंटर सीजन में है तो हमें लगेगा कि भाई लोअर टेम्परेचर तो लोअर टेम्परेचर यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपका ग्रोथ या फिर हेड ऑफ कैबेज होता है वो नॉर्मली आपका 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए ऑप्टिम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है ठीक है बहुत कम भी नहीं होता और आपका ज्यादा हाई भी नहीं होता ठीक है तो जो हेड बनता है अप्रोक्सिमेटली आपका पंद्रह से बीस डिग्री के आसपास है रहेगा नेक्स्ट है डैश फार्मिंग इज एक्सीलेंट इलिस्ट्रेशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अब देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप लोग जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हुए आपके एनवायरमेंट को बिना नुकसान किए जो खेती की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर आपका, आपका आर्टिफिशियल नहीं ये गलत है क्या आपका ये हाइड्रोपोनिक्स होगा ये भी गलत है ये आपका पॉली हाउस होगा ये भी गलत है लेकिन आपका नेचुरल फार्मिंग जो है वो बिल्कुल सही एक एक्सीलेंट एक इेशन है किसका आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जिसके अंदर एनवायरमेंट को आपके नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग प्रोटेक्ट करते हुए और एज इट इज उसके अंदर जो है बिना किसी प्रकार के चेंजेस किए हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम लोग करना चाहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है खेती योग्य मिट्टी का सी एन अनुपात यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए तो ये आप लोग बहुत बार अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि एट इजू वन से लेके आपका फिफ्टीन इन के बीच में इसका रहेगा ठीक है वही ऑर्गेनिक मैटर आपका जो है नियर अबाउट आपका फोर इंस टू टेन टू जो है टेन इंस टू वन के बीच में चला जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर है चिकनी मिट्टी के कणों का आकार की जो आपकी क्ले पार्टिकल है देखो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके साथ आते हैं ना कि आपके जो टेक्सचर्स हैं ठीक है सोइल का जो टेक्सचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना होना चाहिए ठीक है तो टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग हम बार बार आपको यूएसडीए कभी आपका आई ट्री प्लस इनके अकॉर्डिंग बार बार आपको समझाया गया ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर क्ले पार्टिकल की बात करते हैं तो वन एम एम लेस देन जीरो पॉइंट जीरो टू और ये ये आपका लेस देन जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लवणीय मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है वैसे तो देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है है कि जो जो आपकी सोइल होती है, उसकी के लिए किस इनका मटेरियल का यूज किया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट है अगर इसको यूज करेंगे तो देखो पीएच आपका और बढ़ जाएगा इसके अंदर तो तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी सोइल सेलाइन है वो हम एल्कलाइन की तरफ लेके जा रहे हैं सोडियम को यूज करके लाइम लाइम आपका जो है हम एसिडिक सोइल में यूज करते हैं ये भी सेलिनिटी को इंक्रीज करेगा नेक्स्ट आपका लाइम प्लस सोडियम ट तो देखो ये तो फिर और सोने पे सुहागा हो गया तो ये भी गलत हो गया वैसे तो अगर हम बात करें तो यहां पर के लेकिन फिर भी आपको इतना सोचना चाहिए नहीं करते हैं ज्यादातर उसमें क्या किया जाता है आपका या तो हम स्क्रैपिंग करके ऊपर से सोल्ड को रिमूव कर देंगे या फिर उसके अंदर आपका फ्लडिंग करके आपका जो फ्लश करके एक पानी के द्वारा जो है सोल्ड को बाहर निकाल

पर आपको देखने को मिलेगी काली ज़लोड़ मिट्टी ठीक है ये आप लोग याद रख सकते हैं सतीश ने बोला कि सर आंसर की में इसका आंसर आपका सी है ये है नहीं, नहीं 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 आपका देखो ये जो आंसर है वो कभी भी नहीं होगा ये गलत होगा अगर है तो भी आप चेक करिएगा ठीक है ये अगर है तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा एक बार सतीश अपने आंसर की को चेक करिएगा ठीक है और चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कि ये गलत है ठीक है क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये आपका आ, अगर करते हो क्योंकि देखो ये तो कभी नहीं हो सकता लाइम तो आप अगर ऐड करोगे तो लाइम से तो डेफिनेटली आप यहां पर आप इसको बोलते तो फिर भी मैं सोच लेता कि क्या बोला जा रहा है कि सोडियम है चलो भाई सोडियम बाकी सोल्ट को रिप्लेस करेगा है ना तो वो सब चीजें हो सकती थी लेकिन ये कभी नहीं हो सकता इसके अंदर लाइम अगर आप एड करते हो तो लाइम तो एक प्रकार से सेलिनिटी को इंक्रीज करने वाला है ना भाई तो आप ये तो गलत कर रहे हो ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका है 81 क्वेश्चन तो 81 क्वेश्चन क्या है आपका तो तो आप मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है ठीक है मोलबोर्ड प्लो हैरो और प्लो, अब प्लो की बात की गई है तो हैरो आपका प्लो में नहीं आएगा ये भी कट हो गया कंट्री प्लो इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं ये भी आपका कट हो गया क्योंकि जो क्रीपिंग या फिर स्प्रेडिंग ग्रासेस होते हैं उनको कट करने के लिए इतना

नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ शून्य जुताई से होता है मतलब ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज जीरो जीरो तो का फायदा क्या है है भी क्वेश्चन आई थिंक सो पहले किसी एग्जाम में आया हुआ ऑलरेडी एक महीने पहले किसी सेशन के अंदर मैंने इस पेपर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है इरोजन को कंट्रोल करना दूसरा ऑप्शन है कि आपका इंसेक्ट के इंसिडेंस के प्रकोप को बढ़ाना तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो कभी बेनिफिट तो वैसे भी नहीं हो सकता ठीक है तीसरी बात है यहां पर कि

कहां पर देख रहे हो आप लोग आंसर की एक बार मैच करना क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एबीसी के चक्कर में देख रहे हो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं स्तीस ने बोला कि सर कॉन्ट्री इसका आंसर दिया गया है अगर कॉन्ट्रीप्लो दिया गया है तो वो गलत है कॉन्ट्री नहीं होगा डिस्कलो होगा पहले एक बार आंसर की को आप लोग चेक कर लेना मुझे आंसर की से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन सारे इजी हैं ज्यादातर क्वेश्चन आपकी एक्रोनोमी में वही बात है कि नींद में भी पढ़ाते हैं इनको तो है ना जब आपके साथ डिस्कस करते हैं तो ये तो वो क्वेश्चन है जो मतलब सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं ठीक है अरे सतीश भाई का इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहीं गलती ना हो जाए ठीक है चलिए आपका पढ़िए यार इसको देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट है मिट्टी में जैविक खादों के प्रयोग से निम्नलिखित सहायता मिलती है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर इन सोइल हेल्प इन टेंस टू कि ऑर्गेनिक मेन्योर जो है वो आपकी सोइल में कैसे हेल्प करेगा पहला ऑप्शन है मेकिंग ए बैलेंस फूड फॉर क्रॉप कि आपका क्रॉप के लिए बैलेंस फूड बनाएगा तो ये आपका बिल्कुल यहां पर फायदा है इससे दूसरा है क्योंकि देखो आप लोग जानते हो कि भाई एक तो सोइल में पीएच को बैलेंस करेगा ऑर्गनी मैटर का काम क्या होता है और और बोल दो ऑर्गनी मैटर बोल दो एक ही बात है अब यहां पर ये यह क्या करेगा एक तो आपका न्यूट्रिय को बैलेंस करेगा न्यूट्रिय प्रोवाइड करने का काम करेगा ठीक है दूसरी बात यहां पर क्या है आपके पीएच को बैलेंस करने का काम करेगा तीसरा आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा चौथा है सॉइल के अंदर जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको इंप्रूव करने का काम करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करेगा ये इंक्रीज करने का काम करेगा ठीक है आपके सॉइल के पीएच को जो है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करने में काम करता है ठीक है सॉइल को रेक्लामेशन करने में भी डेफिनेटली हम लोग ऑर्गे मैन्योअर को यूज करते हैं ठीक है आपकी सॉइल को एसिडिक बनाने में ये हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं ठीक है डिक्रीज द सॉइल पीएच लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जाएगा कि बैलेंस फूड फॉर द न्यूट्रेंट मैन्योर मैन्योर और फर्टिलाइजर मेनली सोर्स ऑफ द आपके न्यूट्रिएंट्स तो यहां पर आपका क्रॉप के लिए फूड क्या होता है न्यूट्रिएंट होता है तो उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा तो इसलिए ये आपका आंसर यहां पर है सही जाएगा ठीक है <laughs> ब्रदर सारे क्वेश्चंस आंसर की देखने के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं क्वेश्चन पेपर को इजीली यहां पर लेकर आए हैं आंसर की के अकॉर्डिंग करना होता तो पहले मैंने जो भी क्वेश्चंस किए हैं मैं एक भी क्वेश्चन को आपके सामने इस प्रकार से नहीं रखता कि हो गया इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके साथ है डिस्कस किए हुए हैं ठीक है ठीके? और दूसरी बात आंसर की मुझे वहां पर रिक्वायरमेंट है जहां पर मेरा सब्जेक्ट नहीं है और डेफिनेटली मुझे आंसर की की रिक्वायरमेंट होगी और मैं उसके अंदर शर्माऊंगा भी नहीं हजारों बार भी नहीं देखूंगा कि हाँ ये मैं इसके अंदर गलत कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि मेरा काम एक ही है कि जहां पर भी मुझे लगता है कि ये मेरा पार्ट नहीं है वो उस पार्ट में मुझे जाना ही पड़ेगा मुझे आंसर की भी देखनी पड़ेगी उसमें कोई फर्क नहीं है ना ही कोई मुझे शर्म है इस चीज में क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही मुझे आ सकता है और इवन दो मेरे सब्जेक्ट में भी बहुत बार ऐसे टॉपिक आएंगे जो मुझे भी नहीं आते हैं रीजन क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखें दूसरी बात अगर हम करें तो आपका एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सबसे पहले ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने खुद ने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं ठीक है, है? इसलिए इसमें से तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इनमें से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है अमोनियम सल्फेट तो अमोनिया आ गया ठीक है यूरिया आ गया अमोनियम नाइट्रेट आ गया सुपरफॉस्फेट इसमें नहीं है तो सिंपल सी बात है आंसर यहां पर यह चला जाएगा ठीक है अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट बट यूजफुल अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बहुत आपका जो है बार पूछ लिया गया है क्या क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल बट यूजफुल फॉर प्लांट आपका इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि नॉन एसेंशियल है बट प्लांट के लिए आपका यूजफुल है तो देखो सिंपल सी बात है मैग्नीशियम है क्लोरिन है कॉपर है ये तो हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं लेकिन आपका सोडियम सोडियम क्या है आपका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कंसीडर किया जाता है इसको नॉन एसेंशियल में हम लोग ऐड करते हैं लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है सर uh, क्या आंसर की क्वेश्चन नंबर 83 का ए 83 का नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो नॉर्मली जब मैन्योर वर्ड लिखा है तो मैन्योर के अकॉर्डिंग हमें आपका बैलेंस फूड की तरफ यानी कि न्यूट्रिय की तरफ जाना पड़ेगा इसलिए आंसर ये आपका ये होगा ठीक है अदरवाइज तो यहां पर रेक्लामेशन भी सही था सोइल के पीएच को भी बैलेंस करने में काम आता है तो डेफिनेटली ये भी हम लोग कर सकते थे ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फसल परिपक्वता फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्वान्टिटी ऑफ वॉटर रिक्वायड फॉर इरीगेशन टू ब्रिंग द क्रॉप मेच्योरिटी इज कॉल्ड एज आपका यहां पर जो है एक प्लांट को मेच्योरिटी तक लेके आने में हमें जो एक वाटर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉप रेशियो बोलते हैं मॉइस्चर रिजाइम बोलते हैं वाटर यूज एफिशिय नहीं वाटर यूज एफिशंसी मतलब क्या होता है कि कितना पानी दिया गया था उसमें से कितना यूज हुआ नेक्स्ट है आपका ड्यूटी ऑफ वाटर बिल्कुल जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है एक क्रॉप को मेच्योरिटी तक लेके आने में वो हमारा क्या होगा आपका ड्यूटी ऑफ होगा ठीक है नहीं आप 84 क्वेश्चन में क्लेम नहीं कर सकते हो आपका डी आंसर नहीं होगा ठीक है ये ध्यान रखना चलिए अगला आपका क्वेश्चन है पंप फॉर स्मॉल एंड हाई हेड कि यहां पर स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड जो है उसके लिए कौन सा पंप शूटेबल होगा देखिए आप लोग एक चीज को जानते हो कि जब यहां पर आपका फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो पंप आपके अलग अलग टाइप के होते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि पंप अगर आपका यहां पर जो है कम पानी हमें निकालना है उसमें से तो किस प्रकार का पानी हम लोग लगाते हैं तो जो आपका पानी नॉर्मली छोटा पंप लगा होता है वो रेसी आपका पंप का टाइप होता है ये अब रिसेंटली अगर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है ये हमारा ठीक है या सोयल एंड वाटर इंजीनियरिंग का पार्ट ये हमारा हो सकता है क्योंकि उसमें हम लोग पंप्स को यूज करते हैं वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ठीक है एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है एक बार रुकिए कट ऑफ का अरे अजय जी श्रीमान जी मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने आपको वो बोला ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो बिल्कुल रिकलमेशन के लिए काम आता है ऑर्गेनिक मैटर पीएच को भी बैलेंस करता है ऑर्गेनिक मैटर आपका जो है सॉइल के अंदर बायो जो लॉजिकल रिएक्शंस है उनको भी इम्प्रूव करने में काम करता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपका जो आंसर आएगा वो सबसे पहला और प्राइमरी काम है मैन्योर का वर्ड जो है या फर्टिलाइजर का जो काम है वो क्या है आपका न्यूट्रिय अवेलेबल करवाना ठीक है हमारा जो प्राइमरी पर्पज है है, उसकी रिस्पेक्ट में जाएगा आप इस प्रकार से क्लेम करोगे तो वो काम नहीं चलेगा अगर आंसर की में ये दिया गया है तो बिल्कुल सही दिया गया है गलत नहीं दिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर है मृदा में जल की यार वर्टिकल मूवमेंट वॉटर इन इज़ नॉन एज अब देखो जब भी हम लोग बात करेंगे वर्टिकल तो देखो ये जो आपका मूवमेंट होता है ये हॉर्जोटल मूवमेंट को शो करता है ठीक है लेटरल मूवमेंट भी हम लोग इसमें बोल सकते हैं ठीक है कैपलरी जो पोटेंशियल है वो आपका क्या होगा इनफिल्ट्रेशन क्या होगा और यहां पर परकोलेशन क्या होगा देखो इनफिल्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो होता है वो आपके सारे जो पोर्स होते हैं उनमें पानी का जो फिलअप होता है उनको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन जब शुरुआत में एंट्री तो वो आपका नीचे भी जाएगा वर्टिकल भी जाएगा और हॉर्जोंटल मूवमेंट भी होगा तो ये आपका बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं हो सकता पोटेंशियल पोटेंशियल जो है है एक प्रकार से क्या होता है? आपकी क्षमता होती है कि किस प्रकार से कितना पानी आपका खींचा जा सकता है, तो, जो है, उसको करता है तो पानी नीचे की ओर मूवमेंट करता है एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज ए वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ए वॉटर तो उस रिस्पेक्ट में यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका परकोलेशन यहां पर बिल्कुल सही रिप्रेजेंट करता है बहुत बार इन सब चीजों के

इसके बारे में भी कई बार बच्चे बोलेंगे सर कैपिलरी ट्यूब भी तो वर्टिकली बनेगी ना तो वो आपका जो है यहां पर जरूर देख सकते हैं ठीक है अच्छा एग्जाम सेंटर पे चीटिंग अरे यार चीटिंग तो आजकल आम बात हो गई है ठीक है चीटिंग का तो क्या ही करें कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ठीक है नेक्स्ट है नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिप इरीगेशन इनमें से कौन सा आपका ड्रिप इरीगेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है नहीं है देखो ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर और न्यूट्रेंट होता है तो ये तो है हाई कंसिस्टेंट क्वालिटी यील्ड होती है

लेकिन ये जो है बिल्कुल इसके अगेंस्ट में चला जाएगा तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये इसका ऑब्जेक्टिव है नहीं है तो इस प्रकार से जब भी आप लोग इनको देखते हो तो हमेशा आप लोग जो है चेक करिए ठीक है नेक्स्ट है आपका द वीड हैविंग आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजी विद क्रॉप इज कॉल्ड डैश वीड कि जो आपका जी मोर्फोलॉजी मतलब आपका क्या होता है प्लांट बिल्कुल देखने में एक जैसा लगे तो उसको हम किस प्रकार का weed है? तो वो ऑब्जेक्शनेबल है, है? वीड तो होगा यहां पर वो आपका नहीं दिया गया है ठीक है तो याद रखना जब सीड का सिमिलर आपका आ जाए तो उस में वो ऑब्जेक्शनेबल है लेकिन प्लांट की मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग आ जाए तो वो आपका मिमिक्री वीड होगा ठीक है नेक्स्ट है यहां पर पेंडी मेथालीन इज ए पेंडीमेथालीन जो है वो किस प्रकार का एक क्या है आपका हर्बिसाइड है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है इंसेक्टिसाइड है या फिर फंगी साइड है तो ये दोनों तो है नहीं

पहले आपका अप्लाई किया जा रहा है क्या पेंडीमेथालीन तो ये आपका क्या होगा एक प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड होगा तो इसलिए यहां पर इसको आप लोग आंसर कर सकते हैं ठीक है तो ये आपका बिल्कुल सही जाएगा

सहकारी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का बेस्ट मॉडल क्या है अमूल इंडिया के अंदर तो बहुत बढ़िया आपको पता है ये वर्ल्ड का का भी एक नंबर माना जाता है है इसको तो नेक्स्ट ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन एसोसिएटेड विद ईच अदर ऑन द सेम सेम फील्ड एट टाइम देखो पहली बात तो यहां पर क्या बोला गया कि आपका यहां पर है डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है लेकिन अब डिफरेंट क्रॉप को जब ग्रो करवाया जाता है मल्टीपल क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है तो वो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग होता है लेकिन बाद में क्या बोला गया विद ईच अदर ऑन सेम फील्ड एट सेम टाइम सेम फील्ड है सेम टाइम है तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर भी आपके दो हैं एक पैरल मल्टीपल क्रॉपिंग है एक आपका सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग है और पैरल में हम लोग पढ़ते हैं इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करेगा आपका सी ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यह चला जाएगा नेक्स्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगा तो आप लोग जानते हैं कि आपका टोटल क्रॉप एरिया या ग्रोस क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाय आपका नेट क्रॉप एरिया मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये आपका यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा नेट क्रॉप एरिया क्रॉप ये ये रहा ये आपका ए नेक्स्ट है यहां पर धात्विक टेप विच वन इज यूज टू मेक द मेटलिक टेप अब मेटलिक टैप को बनाने में क्या यूज होगा ये मुझे पता नहीं है है ना आ, तो एक बार ये चेक कर लेना ठीक है क्या जाएगा इसका और किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज यूज फॉर ए पीरियड ऑफ रेंजिंग अप टू तो शॉर्ट टर्म जो आपका क्रेडिट है वो 12 महीने के लिए इसके अंदर क्या होता है आपका यूज होता है ठीक है आप लोगों को बहुत बार ये भी डिस्कशन हुआ है शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म नेक्स्ट है आपका आर आरबी कम्स इन टू एक्सिस्टेंस तो ये तो नाइनटीन ठीक है सोचने की आवश्यकता भी नहीं है अगला है द मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्वॉल्व सब कॉन्ट्रैक्टिंग बाय बायर to intermediary who formally or informally contract the farmer called as अब देखो यहां पर ना ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और हैं बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट इनके क्वेश्चन हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि आपका आ, तीस से पैंतीस क्वेश्चन बनते हैं और ये तीस से पैंतीस क्वेश्चन आपके साथ इकोनॉमिक्स वाले जो मुकेश सर हैं वो कल या परसों तक आपके साथ इस सेशन को डिस्कस कर देंगे और क्योंकि देखो मैं यहां पर बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको मैं अभी डिस्कस आपके साथ कर दूंगा बाकी जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है मैं आपके साथ एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ मुकेश सर डिस्कस कर देंगे क्योंकि वो आपको इकोनॉमिक्स की बेहतरीन नॉलेज रखते हैं तो आपके साथ उनको डिस्कशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं आपके साथ आंसर तो बता दूंगा शायद लेकिन आंसर बताने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर जो है उसकी एक्सप्लेन

ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे और इसके बाद आपका है अगेन ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स या बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन है तो बेटर है कि वो सर हाँ एक ये क्वेश्चन तो तो होगा आयरन होगा नाइट्रोजन होगा मैग्नीशियम होगा या मैगनीज होगा देखो वैसे तो आपका जब भी ट्रांसलोकेशन की बात आएगी प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोरोन लेकिन अगर यहां पर आपका बोरोन नहीं दिया गया है तो उस केस में मैग्नीशियम आपका हो सकता है मैग्नीशियम को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मली जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट

ये आपका है परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस पेंटोक्साइड प्रेजेंट इन द नाइट सॉइल तो नाइट सॉइल के अंदर फॉस्फोरस कितना प्रेजेंट होता है तो फोर परसेंट अप्रॉक्सीमेटली ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं अच्छा ये एक आपका अगेन सोइल का क्वेश्चन आ गया विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर प्रोवाइड ऑल थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम यूरिया में नाइट्रोजन होता है सुपर फॉस्फेट में इसके अंदर फॉस्फोरस होता है पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम होता है ये भी गलत हो गया बचा क्या एन के कंपाउंड फर्टिलाइजर बिल्कुल सही बात है थड इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द सोइल टेक्चर सोइल के टेक्स्चर को डिटरमाइन करने की कौन सा यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट मैथड फॉलो करते हैं सोइल का पीएच मेजरमेंट नहीं हाइड्रोमीटर मैथड नहीं फ्लैम फोटोमीटर या फिर आपका ग्रे मैटर तो ग्रेव मेटर सिंपल सी बात है हा टॉक्सिटी ऑफ बोरोन तो बोरोन की टॉक्सिटी आपका क्या होता है Of leaf and tip margin, नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं क्योंकि लीफ टिप जो है मेनली आपका जो बोरोन है या फिर उसका कैल्शियम है उसकी टॉक्सिटी हो या फिर उसका मेन सिम्टम है वो कहां पर देखने को मिलता है आपका डेफिशिय का आपकी टिप्पर देखने को मिलेगा तो ये आपका साफ इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट है विच ऑफ द सोइल होरिजन इज नोन है होरिजन इलुविएशन होता है, है, है? So, बी बाद में आता है उसी प्रकार से ई e पहले आता है आई बाद में आता है तो इसको दूसरे के साथ आपका याद रखने का एक तरीका हो जाएगा कभी भी आ जाए तो नेक्स्ट है हा ट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ सोयल टू रिटेन एंड सप्लाई आपका वॉटर सॉरी uh, आपके न्यूट्रिय को रिटेन करना और उसके बाद क्या है उसको सप्लाई करना तो ये किसका काम है पोरोसिटी का नहीं का? नहीं Fidelity का का फर्टिलिटी ठीक है डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है हाँ ये रहा आपका एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन है वट इज द कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सॉयल मॉइस्टर कंटेंट सॉयल मॉइस्टर कंटेंट को हम लोग जो है यहां पर आपका किससे एनालाइज करते हैं तो ये आपका सॉरी सोइल मॉइस्चर को हम लोग मेजर करते हैं या सोइल टेक्सचर को मेजर करते हैं ये एक के अंदर इसके अंदर आपका क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ठीक है इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है एक ये क्वेश्चन है और एक आपका पीछे वाला क्वेश्चन था ठीक है और नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एमएसपी फॉर हाउ मेनी कमर्शियल क्रॉप टिल 2023 2023 तक आपका एमएसपी जो है वो किसके मतलब कमर्शियल क्रॉप के लिए कितनी क्रॉप के लिए दिया गया है अच्छा इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन आपको हुई होगी कि नॉर्मली जो कमर्शियल क्रॉप होती है वो कौन कौन सी होती है तो देखो आपका शुगर केन एक कमर्शियल क्रॉप है उसके साथ में जूट आपकी एक कमर्शियल क्रॉप है ठीक है तीसरा अब देखो यहां पर हम लोग सोचते हैं कि कॉटन भी एक कमर्शियल क्रॉप है ठीक है या फिर हम बात करें तो आपका कोपरा भी एक कमर्शियल क्रॉप है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर जो आपका फील्ड क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी को जब आप लोग देखोगे और सी अनाउंस करता है तो उसमें यहां पर क्या बताता है ये ध्यान दीजिएगा इसके अंदर वो लोग कंसिडर करते हैं क्या देखो खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप खरीफ में ये आपकी सारी की सारी आ जाएंगी इसमें आपका पैडी आ जाएगा फिर आपका जवार आ जाएगा बाजरा मेज रागी तुर मूंग उर्द ग्राउंडनट सनफ्लावर सोयाबीन सीसेम नाइजर सीड और आपका कॉटन दूसरी बात है यहां पर वीट बार्ले ग्राम लेंटिल रेपसीड एंड मस्टर्ड और सनफ्लावर ये हमारी जो है रबी और वी आपकी खरीफ क्रॉप आ गई लेकिन जब आप कमर्शियल क्रॉप की बात करते हो तो यहां पर जूट शुगरकेन और कोपरा ठीक है इनको लिखा जाता है अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि यहां पर आपका जो है शुगर केन जूट कोपरा कोपरा मिलिंग और कोपरा बोल है तो इसको एक ही कंसीडर करेंगे यहां पर तीन क्रॉप आपकी कमर्शियल कंसीडर की जा रही है अकॉर्डिंग टू सी और उनके अकॉर्डिंग इनमें से कितने क्रॉप का एम जो है आपका दिया गया था क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहां पर आपका तीन कहीं भी नहीं लिखा हुआ एक लिखा है दो छह लिखा है दो लिखा है आठ लिखा है ठीक है अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या देखो 2023-24 जो जो है है उसमें आपका कोपरा का जो MSP है, वो आपका यहां पर प्रोवाइड नहीं करवाया गया तो इसलिए अभी तक केवल दो क्रॉप है जिनका आपको एमएसपी प्रोवाइड करवाया गया है इसलिए जो आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा दो जाएगा यानी कि टू होगा और ये आपको यहां पर पता लग गया होगा आप लोग देख सकते हैं कि टू 23-24 और ये आपका कब का अपडेटेड है ये 18 दस 2023 का है यानी कि रिसेंटली आपका अक्टूबर महीने का है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि केवल दो क्रोप का अब देखो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं बड़ा टिपिकल टास्क है यार आप इसको हमेशा ध्यान रखें अब इसके अंदर एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को आज एक कंफ्यूजन दूर करता हूं आपके सामने है सारी की सारी क्रोप इनको जरा एक बार देखने की कोशिश करो पहला क्या है यहां पर? पैड़ी। तो पैड़ी आपकी कॉमन और ग्रेड ए को हम लोग क्या लेकर चलते हैं एक क्रॉप लेकर चलते हैं जवार आपका हाइब्रिड और दोनों को एक लेकर चलते हैं दो हो गया तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है आपकी टोटल फोर्टीन क्रॉप है कौन सी यहां पर खरीफ याद रखना रबी क्रॉप क्या है एक दो तीन चार पांच क्या है रबी क्रॉप है ठीक है और उसके साथ में कमर्शियल क्रॉप कितनी है जूट शुगरकेन कोपरा कोपरा दोनों एक ही बात है तो यहां पर टोटल कितनी होगी तीन अब अगर आप लोग देखोगे तो फोर्टीन प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री तो ये आपकी रिकमेंडेशन है ट्वेंटी थ्री क्रॉप के लिए लेकिन आपकी दो क्रॉप और होती है यहां पर जिनके लिए एम एस पी अनाउंस किया जाता है और ये दो क्रॉप कौन कौन सी होती है एक आपका होता है यहां पर तोरिया और ठीक है एक आपका होता है डी हस्क कोकोनट ठीक है तो अब याद रखना कि कोपरा के बिहाफ पर हम लोग जो है डीएस कोकोनट का प्राइस डिसाइड करते हैं ठीक है दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो है जो तोरिया है उसका प्राइस हम लोग जो है इसके कहा गया मस्टर्ड और मस्टर्ड के हाँ इसका जो है प्राइस आपका डिसाइड किया जाता है तो इन दोनों को याद कर लेना क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन तो लेकिन एमएसपी जो रिकमेंड होता है वो आपका ट्वेंटी थ्री क्रॉप के लिए होता है और ये आपके सामने है सारा का सारा टेबल और इसमें किसी प्रकार की अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसको पूछ सकते हो ठीक है अरे शिवम सिंह जी क्या प्रॉब्लम है सर हॉर्टिकल्चर वाले इसको में डाल सकते हैं क्या भाई पता नहीं है एक बार देख लेना उसके अंदर क्या लिखा है क्योंकि कई बार दिक्कत हो सकती है प्लीज़ एक बार है ना उसको चेक करिएगा शिवम सिंह मुझे नहीं पता है प्लीज ठीक है बेटर है कि एक बार रुकिए तो ये आपका यहाँ पर क्या था इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बच्चों आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए डाउट अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए चलो आज गलती होगी लेकिन आगे से गलती नहीं होनी चाहिए ये ध्यान रखें आप लोग ठीक है उसी प्रकार से ये बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है आपके अच्छा वट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर इरीगेशन ओवर इरीगेशन की वजह से क्या होगा सॉइल कॉम्पैक्शन होगा क्रॉप ड्रॉट स्ट्रेस होगा सॉइल इरोजन होगा वाटर लॉगिंग होगा अब देखो ऐसे तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ओवर इरीगेशन से क्या होता है सॉइल इरोजन भी होता है लेकिन ओवर इरीगेशन सबसे पहले आपका प्राइमरी क्या स्टार्ट होगा वाटर लॉगिंग स्टार्ट होगा तो यहां पर आंसर क्या जाएगा वाटर लॉगिंग जाएगा ठीक है उसी प्रकार से अगला यहां पर क्वेश्चन है आपका एक आ, ये रहा कृषि में जल निकासी जो आपका है यहां पर प्राइमरी पर्पज जो है ड्रेनेज सिस्टम का एग्रीकल्चर में क्या होता है तो प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोशन या आपका इंप्रूविंग द सॉइल इरोशन मैनेजिंग द एक्सेस वाटर या आपका देखो तो आपका ड्रेनेज जो है होता है, जो एक्सेस वाटर होता, करना होता है तो एक्सेस है है? तो तो हम इरोजन को रोकना लिख सकते थे लेकिन अब ये साफ लिखा गया है कि जो एक्सेस वाटर है उसको मैनेज करना हमारा जो है इसके अंदर ड्रेनेज में हम लोग फॉलो करते हैं उसका प्राइमरी पर्पज यही होता है तो इसलिए आंसर भी क्या जाएगा आपका ये जाएगा अब अप्रोक्सीमेटली थर्टी क्वेश्चन रहते हैं, जो कि यहां पर आपका जो है इसके अंदर डिस्कस नहीं हुए हैं तो थर्टी क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम आराम से उस क्वेश्चन को कर सके और उसका आंसर भी बेहतरीन तरीके से दे सके तो इसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन आपके सामने सर के द्वारा करवा दिया जाएगा ताकि आप उसमें जो है बेहतरीन आपका कर सकें अब यहां पर अगर हम बात करें तो कट ऑफ तो देखो कट ऑफ की जो बात है आउट ऑफ 150 अगर हम बोले तो ये कह सकते हो कि मेरा मानना ये है कि 120 के आसपास जानी चाहिए 120 के आसपास आपका जाना चाहिए क्योंकि आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर इजी था लेकिन फिर भी एक मानना ये है कि इसके अंदर 30 क्वेश्चन जो थे वो आपके काफी डिफिकल्ट थे तो देखो यहां पर रेंज में बोलना चाहूंगा कि 1 टेन के लेके वन ट्वेंटी अब कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा इससे कम भी हो सकता है हंड्रेड के आसपास भी जा सकता है वन थर्टी तक भी जा सकता है लेकिन इतना तो ऊपर नहीं जाएगा यहां पर ये जो रेंज है वो आपकी एक मान सकते हो जिसके अंदर वर्क कर सकता है लेकिन फिर बोलता हूं ये प्रिडिक्शन होती है ये बोलना होता है पता नहीं आप बच्चों ने किस प्रकार से पेपर किया होगा आपका माइंड क्या रहा होगा ठीक है तो वो सब चीजें मैटर करती है जैसे नकल भी मैटर कर रही है यहां पर कि कितने लोगों की नकल करवाई गई कितने लोगों की नकल हुई कितने लोगों के पेपर जो है आपके हाईजेक करवा के करवाए गए तो वो सब चीजें भी मैटर करती है हर चीज मैटर करेगी तो एक बार आप लोग ध्यान रखें 110 मन, जैसे मंजेश ने यहां पर बोला तो 110 बन रहे हैं तो अच्छे नंबर है ऐसी बात नहीं है सिलेक्शन के चांसेस हैं आपके तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें कि हो सकता है कि पांच सात नंबर के कारण आपका रुक भी सकता है लेकिन डोंट वरी कि जरूरी नहीं है मेरे बोलने से रुक जाएगा हो सकता है कि हो जाए आपके पांच नंबर ऊपर निकल के आ जाए ठीक है तो इसलिए आपका एक अच्छा स्कोर है एक और एक अगर आपके स्कोर है तो डेफिनेटली आप एक बहुत बेहतरीन पोजिशन के ऊपर है ठीक है तो आपका अच्छा जो है यहां पर रहने वाला है 133 रितेश ने बोला बहुत बढ़िया शाबाश इससे अच्छा बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता है मैं सच बताऊं तो आपको ठीक है तो आप तो एनशोर मान के चलिए रितेश जी चलिए तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन पेपर था आज का जो हमने डिस्कस किया उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा सेशन और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियो में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है दिए जाए चलिए तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत गुड नाइट